आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। हिंदू नव वर्ष मेले का आयोजन कल 7 अप्रैल 2024 को निमाइश मैदान में किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज दोपहिया वाहन रैली का भूमि पूजन किया गया है। अलीगढ़ से संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। महीना आया है हिंदू का मन हर साया है, घर घर भगवा लहराया है, घर घर भगवा लहराया है। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय जय श्री राम। इस तरह के प्रोग्राम को लेकर प्रोग्राम, ये नव संवत का प्रोग्राम है, सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। ये यहीं से हमारा नव वर्ष का शुरुआत होती है। और देखिए कैसा सौभाग्य का अवसर है, पहले ये इतना कहाँ होता था। अब ये योगी जी के शासन में, मोदी जी के शासन में, पूरे हर क्षेत्र में ये सनातन धर्म का ये शुभ अवसर और जो आयोजन है हर जगह मनाया जाता है। हर हिंदू को मनाना चाहिए, ये हमारी सबके लिए शुभकामना है। इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के मनाएं, धन्यवाद। वर्ष का जो कार्यक्रम है कब आयोजित हो रहा है और इसके उपलक्ष्य में आज किस तरह की रैली कहां से कहां तक निकाली गई? सर्वप्रथम सभी सनातनी भाइयों को बहनों को मैं नव संवत्सर 2081 की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही बताना भी चाहता हूँ कि कल 7 अप्रैल 2024 को नव वर्ष मेले का आयोजन नुमाइश ग्राउंड कोहिनूर मंच पर हो रहा है। आप सभी सनातनी सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में की पूर्व दिवस पर आज के दिन भूमि पूजन के रूप में हवन का कार्यक्रम, तत्पश्चात दोपहिया वाहन रैली का आयोजन कोहिनूर मंच से नई बस्ती मसूदाबाद चौराहा होते हुए बारहद्वारी दिल्ली गेट गूलर रोड प्रतिभा कॉलोनी मेलोज बाईपास जवाहरनगर होते हुए कोहिनूर मंच पर उसका समापन किया गया है। बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने उसमें जोश और होश के साथ जो है सहभागिता की। सभी ने ये संदेश देने का काम किया है कि सनातनी भाई जो 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं वो हमारा हिंदू सनातनियों का नववर्ष नहीं है। जो पहला नवरात्रा शुरू होता है मार्च अप्रैल में वो हमारा नव संवत्सर का प्रथम दिवस होता है, वही नव वर्ष हम लोगों को मनाना है।